हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम बात करेंगे ईडीडी कैसे कैलकुलेट करते हैं। ईडीडी यानी कि एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये भी नॉर्थ सेट के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा जाता है। तो अगर आप कैलकुलेट करना सीख जाएं तो आप इस क्वेश्चन को क्रैक कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिससे आप आसानी से ईडीडी कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इंस्टाग्राम में, फेसबुक में, लिंक्डइन में और ट्विटर में भी मेरे चैनल्स हैं, तो उसका डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पर दिया हुआ है, वहाँ भी जाकर प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। तो आइए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। जो रूल जिसे हम ईडीडी कैलकुलेट कर सकते हैं उसका नाम है नेगल्स रूल। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये नेगल्स रूल क्या है। नेगल्स रूल ये कहता है कि अगर आपको एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी कैलकुलेट करना है तो आपको एलएमपी पता होना चाहिए। एलएमपी यानी कि लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड। लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जब पता चल जाएगा तो उसमें आपको 3 महीना माइनस करना है, 7 दिन प्लस करना है और 9 महीना प्लस करना है। इसे हम एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ आप क्वेश्चन 1 में देख रहे हैं, पेशेंट का लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है January 5th, 2017। तो फार्मूला के हिसाब से आपको 7 दिन प्लस करना है। तो आप 7 दिन प्लस करेंगे तो क्या होगा, 5 January 5th, 5th मतलब जनवरी का 5वां दिन। तो 5वें दिन को आप 7 से प्लस करेंगे तो 7 + 5 कितना होता है, 12। तो आपका आंसर आया January 12th, 2017। उसके बाद आपको 9 महीने ऐड करना है। 9 महीने ऐड करेंगे तो क्या होगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो आपका कौन सा महीना आया, October 12th, 2017। तो आपका ईडीडी है October 12th, 2017। इसे आप दूसरे मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं जिसे हम question 2 में समझेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं पेशेंट का एलएमपी है September 28th, 2016। तो फॉर्मूला के हिसाब से आप 3 महीना माइनस करेंगे। सितंबर कौन से महीने में आता है, 9th मंथ में। सो 9 - 3 कितना होता है, 6। तो 6th मंथ कौन सा होता है, जून, यानी कि June 28th, 2016। अब June 28th में से हमको 7 दिन प्लस करना है। तो आप 7 दिन प्लस करेंगे तो जून में तो अब कितने दिन बाकी है, जून में सिर्फ 30 दिन होते हैं। तो 30 दिन होंगे तो जून के 28 दिन कंप्लीट हो चुके हैं, यानी जून महीने के सिर्फ 2 दिन और बाकी हैं, 29 और 30। फिर अगला महीना आ जाएगा तो जून के 2 दिन और अगले महीने के 5 दिन कितना होगा, July 5th, 2016। इसके बाद आप उसमें +1 कर लीजिए, 1 साल आप ऐड कर सकते हैं या फिर 9 महीना आप आगे की तरफ कैलकुलेट करके पता कर सकते हैं कि बच्चा कौन से साल में पैदा होगा। जैसे कि यहाँ पे हमारा लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड है 2016, 9 महीने के बाद अगला साल आ जाएगा यानी कि 2017। तो आपका ईडीडी बनता है July 5th, 2017। तो सीधा सीधा कैलकुलेशन ये है कि जो भी आपका एलएमपी है उसमें आप 3 महीने पीछे के तरफ माइनस कीजिए और 7 दिन आगे के तरफ ऐड कीजिए, और कौन से साल में बच्चा पैदा होगा ये जानने के लिए आप या तो 9 महीना प्लस करके देख लीजिए या फिर 1 साल ऐड कर लीजिए। इससे आपको फाइनल ईडीडी का डेट मिल जाएगा। इस कैलकुलेशन को सीखने के लिए सबसे पहले आपको जानना ज़रूरी है कि कौन से महीने में 30 दिन होते हैं और कौन से महीने में 31 डेज होते हैं। इसके लिए हमें बचपन में एक गाना सिखाया जाता था, 30 डेज आर सितंबर, अप्रैल, जून एंड नवंबर, यानी कि सितंबर में, अप्रैल में, जून में और नवंबर में, इन महीनों में सिर्फ 30 दिन होते हैं, बाकी सारे महीनों में 31 डेज होते हैं, और फरवरी में 28 दिन होते हैं, और अगर वो लीप ईयर है तो फरवरी में 29 दिन होगा। तो ये है कैलकुलेट करने का आसान सा तरीका। कल मैं आपके लिए शॉर्ट वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें
आपको बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगी ईडीडी कैलकुलेट करने के लिए, जिससे आपको आसानी से समझ आ सके कि ईडीडी कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।